हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम टू माय चैनल लिव यंग टीवी। फ्रेंड्स, लिव यंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइस फ्री और पोल्यूशन फ्री बने और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाए। और इसी की वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी सब्सिडी दी हुई है कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू देने वाली हूँ। सो उस स्कूटर का नाम है ऑप्टिमा HX ER। ER मीन्स एक्सटेंडेड रेंज। फ्रेंड्स, दो टाइप के बैटरी होती है, एक होती है लिथियम आयन बैटरी और दूसरी होती है लेड एसिड बैटरी। ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है ये 5 साल तक चलती है, ये पोर्टेबल है, ये लाइट वेट है और आप इसे आपके घर पे भी निकाल के लेके जा सकते हो। और दूसरी होती है लेड एसिड बैटरी जो कि 2 साल तक चलती है, ये नॉन पोर्टेबल है और इसे आपको जगह पर ही चार्ज करना होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में और उस शोरूम का नाम है MNGS E-Bikes। यहाँ पर आने के बाद हीरो इलेक्ट्रिक की जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आप उसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। सो प्लीज़ आप इनके यहाँ पर विजिट दीजिए। ये रावत पिंपरी चिंचवड़ पुणे में है। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। आइए अब मैं आपको इस स्कूटर के फर्स्ट फीचर के बारे में जानकारी दे दूं। फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है ये आपको वाइट ग्लॉसी कलर में देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्टिकर दिया गया है इट्स मेन, इस स्कूटर के ऊपर आपको सब्सिडी मिली हुई है। और ये है यहाँ पर ग्रीन कलर का नंबर प्लेट, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती है उसके ऊपर आपको ये ग्रीन कलर की नंबर प्लेट मिल जाती है देखने के लिए। उसी के साथ यहाँ पर ये कंपनी का लोगो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लिखा गया है। इसकी वजह से ये जो स्कूटर है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है येल्लो और ग्रे कलर के वजह से। और ये जो यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये बॉडी में ही दिए गए हैं। और ये जो आप एक्सेसरीज देख रहे हो ये कंपनी फिटेड नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे लगा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। उसी के साथ आप देखिए यहाँ पर भी ये स्टिकर दिया गया है लिथियम पावर्ड, इट्स मीन ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी के स्कूटर है। ये है इसका हेडलाइट और यहाँ पर ये ब्लैक इंसर्ट दिया गया है। आइए अब मैं आपको ये जो लाइट से ये ऑन करके दिखा दूँ। ये है इसका पार्किंग लाइट जो कि रेगुलर दिया गया है और ये है इसका हेडलाइट जो कि LED है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके वजह से आपको अंधेरे में काफ़ी अच्छे से रास्ता देखने के लिए मिल जाएगा और इसे हैंडल में ही दिया गया है। अब मैं आपको इसके जो इंडिकेटर्स है ये ऑन करके दिखा दूँ। ये देखिए ये इसके इंडिकेटर जो कि रेगुलर लाइट दिए गए हैं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम और ये मेट्रो कंपनी का ट्यूबलेस टायर है जो कि 12 इंच का है। ये है फ्रंट ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के हैंडल्स के कंट्रोल के बारे में जानकारी दे दूं। ये है इसका रियर ब्रेक, ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, ये है यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है, ये इंडिकेटर का स्विच है, ये है इसका फ्रंट ब्रेक, ये है एक्सेलेटर, ये है हेडलाइट और पार्किंग लाइट का स्विच और ये है USB मोबाइल चार्जर, आप आपका मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग के लिए लगा के रख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके डिजिटल मीटर के बारे में जानकारी दे दूं। ये है इसका ओडोमीटर, ये अब ट्रिपोमीटर बन गया है, ये है स्पीडोमीटर और ये है बैटरी स्टेटस, यही से आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं। आइए अब मैं आपको इसके स्पीड के बारे में जानकारी दे दूं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी एक्सीलेटर दे दिया है, देखिए हमें यहाँ पर अभी कितना स्पीड मिलता है, 62 मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पर 62 का स्पीड मिल जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।
फ्रेंड्स, ये है इसका मिडिल एरिया और यहाँ पर ये हुक दिया गया है। आप यहाँ पर कैरी बैग या बैग हैंग कर सकते हो। उसी के साथ ये यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर भी सामान रख सकते हो। वॉलेट है या आपकी ग्लेयर्स है, कोई भी चीज़ है यहाँ पर आसानी से आ जाएगी। उसी के साथ ये है इसका लेग स्पेस, यहाँ पर भी आप सिलेंडर या फिर ग्रॉसरी सामान रख सकते हो। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 140 mm का। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये DC चार्जर दिया गया है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट का जब चार्जर आएगा तो आप यहीं से चार्ज कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर भी ये जो दो सॉकेट दिए गए हैं, ये है B2 और यहाँ पर B1, क्योंकि इस स्कूटर के साथ दो बैटरीज आती है तो आपको दो चार्जर भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ही कनेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस स्कूटर के साथ आपको ये रिमोट कंट्रोल की मिल जाता है, जैसे कि फोर व्हीलर में होता है वैसे ही स्कूटर के साथ भी आपको मिल जाता है। ये है स्कूटर लोकेटर, देखिए इसे मैं अभी प्रेस कर रही हूँ, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये इसी का है। अगर आप भीड़ में हो और आपको आपकी स्कूटर मिल नहीं रही है तो आपको क्या करना है, ये प्रेस करना है बटन, तो ये जो स्कूटर है इसका आवाज़ आएगा और आप रिकग्नाइज कर सकते हो आपकी स्कूटर। सेकेंड, इसमें स्कूटर को स्टार्ट करने का भी स्विच है, विदाउट की के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और ये है लॉक और अनलॉक का स्विच। आइए अब मैं आपको इसके सीट के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका सीट जो कि आपको लेदर में मिल जाता है ब्लैक कलर के साथ। और ये देखिए इसकी जो स्टिचिंग है ये काफ़ी अच्छी है, इसका जो फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर दो लोग बैठ सकते हैं आसानी से। जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी ये ग्रैप होल्डर दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में है और इस कंपनी का यहाँ पर ये प्रिंट भी है। आइए अब मैं आपको दिखा दूँ कि इस स्कूटर का सीट कैसे खोलना होता है। ये जो की है इसे हमें इस तरह पे लगानी है, तो ये जो हमारा सीट है ये खुल जाता है। और ये है इसका बूट स्पेस जो कि 12 लीटर का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्जर रखने के लिए स्पेस दी गई है, क्योंकि इस स्कूटर के साथ आपको ये जो दो चार्जर है ये मिलते हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी कम्फर्टेबल है इतनी जगह। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अंदर की साइड पे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। अगर आपके स्कूटर में कोई तकनीकी ख़राबी होती है तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी की है, तो आइए मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी बैटरी कहाँ पर है। ये देखिए ये इसकी है B1, इट्स मीन बैटरी 1। इस स्कूटर के साथ आपको दो बैटरी मिल जाती है और दूसरी बैटरी यहाँ पर नीचे दी गई है B2। तो अब मैं आपको ये जो बैटरी है ये निकाल के दिखा दूँ। पहले हम ये B1 वाली जो बैटरी है इसे निकालते हैं। यहाँ पे ये दो सॉकेट दिए गए हैं, इसे हमें इस तरह से खींच के निकालना है। ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट बैटरी है ये निकाल के मैं यहाँ पर रख देती हूँ। नाउ ये जो सेकेंड बैटरी है इसे भी मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो ये जो हमारी दोनों बैटरी है इसे मैंने अभी निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर दो बैटरी के लिए जगह दी गई है इस तरह से। ये है वो लिथियम आयन बैटरी जो कि 51.2 वोल्ट एंड 30 एम्पियर की है और ये मेड इन इंडिया है। और इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए जब आप इस बैटरी को घर पर लेके जाओगे चार्जिंग के लिए, तब ये जो चार्जर का जो सॉकेट है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये स्कूटर को कनेक्ट करने का सॉकेट है और इस बैटरी का वेट है 12 kg का। आइए अब मैं आपको इस स्कूटर के चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका चार्जर, ये है इसका 3-pin प्लग और ये बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट है। इसका आउटपुट है 58.4 वोल्ट और ये 6 एम्पियर की है। और ये 6 एम्पियर के होने की वजह से 4.5 से 5 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्जर। और ये है मेड इन इंडिया है और ये हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का ही चार्जर है। उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है और कितनी नहीं। 25%, 50, 75% एंड 100%। जब ये 100% हो जाएगा तो यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा।
आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस बैटरी को कैसे चार्ज करना है वो दिखा दूं, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये है एनर्जी मीटर, इसे मैंने मेरे घर पर बनाया हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो बैटरी है वो कितने वॉट से चार्ज होती है। तो आइए देखते हैं, ये है इसका 3-पिन प्लग, इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करती हूँ इस तरह से, और ये है चार्जर का 3-पिन प्लग, इसे मैं यहाँ एनर्जी मीटर पर लगा देती हूँ इस तरह से, और ये जो सॉकेट है ये मैं बैटरी को कनेक्ट कर रही हूँ। अब ये जो स्विच है इसे मैंने ऑन किया है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो 376.9 वॉट से ये जो हमारी बैटरी है ये चार्ज हो रही है। और ये देखिए ये है इसका चार्जर, यहाँ पर भी ये जो लाइट से ये फ्लैश हो रहे हैं इस तरह से, आप देखिए 25%, 70, 75 एंड 100% यहाँ पर हमें ये फ्लैश हो जाता है। ये अब मैं आपको बता दूं कि विदाउट बैटरी निकाले हुए हमें कैसे चार्ज करना है। ये है एनर्जी मीटर, इसका 3-पिन प्लग मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ये है चार्जर का 3-पिन प्लग, इसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है एनर्जी मीटर में, और ये है सॉकेट, इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ स्कूटर को इस तरह से, काफ़ी ईजी है लगाना। और ये जो स्विच है अब इसे मैंने ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हो ये सेम वॉट से ही चार्ज होता है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि वारंटी के बाद अगर बैटरी ख़राब होती है तो फिर उसका कॉस्ट क्या होगा, तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के कि पहले जो लिथियम आयन जो बैटरी थी उसका प्राइस था 25,000, पर अभी उसके प्राइस बहुत कम हो गए हैं, और अभी उसका जो प्राइस है वो है 17,000 ओनली। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बैटरी के बारे में, काफ़ी सस्ती हो गई है लिथियम आयन बैटरीज, तो आप वो बैटरी परचेस कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस स्कूटर के रेयर के बारे में जानकारी दे दूं। यह है 550 वॉट की BLDC मोटर, और इसका पीक आउटपुट है 1200 का। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ये वाटरप्रूफ है, इसे व्हील में ही दिया गया है, और ये है एडजस्टेबल रियर रेयर सस्पेंशन। अगर आप सिंगल सीट हो तो भी इसे एडजस्ट कर सकते हो, और डबल सीट होने के बाद भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर भी ये बैचिंग दिया गया है, इस स्कूटर का नाम है ऑप्टिमा HXER, तो यहाँ पर इसका बैचिंग है। उसी के साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो स्टिकर है, ये स्ट्रिप वाइट येलो ग्रे काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उसी के साथ यहाँ पर ये फुटरेस्ट दिया गया है, यहाँ पर भी फुटरेस्ट है पर ये बॉडी एक्सेसरीज के साथ है, आपको चाहे तो ही आप लगा सकते हो। यहाँ पर इसका साइड स्टैंड दिया गया है, और देखिए अब ये जो मैं इसकी लाइट है ऑन करके दिखा दूँ, इसका ब्रेक लाइट, ये देखिए मैंने अभी इसका ब्रेक लाइट ऑन करा है, ये LED लाइट दिया गया है, और ये इसके इंडिकेटर्स हैं। उसी के साथ यहाँ पर भी नीचे जो लाइट दिया गया है, सो दैट कि आपका जो नंबर प्लेट है वो काफ़ी क्लियरली आप देख सको। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे दूँ। इस स्कूटर के ऊपर गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी हुई है 18,660, और इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 74,640, और इसका ऑन रोड प्राइस है पुणे वालों के लिए 83,990, और इसके ऊपर आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है, और इस स्कूटर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लेने से पहले कहना चाहती हूँ कि इस स्कूटर में आपको 2 बैटरी मिल जाती है, और 2 बैटरी होने की वजह से ये सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर तक जाती है। सो लेट्स ड्राइव।
जस्ट मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया है, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, इसका जो ब्रेक है, इसमें डिस्क ब्रेक होता तो और भी बेहतर हो सकता था, और इसका पिकअप काफ़ी बढ़िया है। इसका जो सीट है वो थोड़ा सा हार्ड है, और सॉफ्ट होता तो मज़ा आ जाता, और इसकी हाइट भी बेटर है, मेरे हाइट के लिए अच्छी है, लड़कों के लिए ये काफ़ी बढ़िया है ये स्कूटर, और इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप एक बार चलाइए ये स्कूटर, टेस्ट ड्राइव लीजिए, डेफिनेटली आपको भी पसंद आएगी ये स्कूटर। और इस स्कूटर का वेट है 86 kg का, और ये ले पाती है 160 तक वेट। फ्रेंड्स, ये हो गई इस वीक की स्कूटर की जानकारी, मैं ऐसे ही आऊँगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने। तब तक प्लीज़ आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।